भी विषय हिंदी के अंतर्गत जो हमारे पाठ हैं, आज हम उस पाठ को पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए आइए पढ़ते हैं। जैसे कि आप यहां देख रहे हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं फिराक गोरखपुरी जी को, इनकी इन्होंने जो गजल और रुवाइयां लिखी हैं, तो पहले हम इनके जीवन परिचय को पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए, जैसे कि आप देख रहे हैं फिराक गोरखपुरी जी, जीवन परिचय उर्दू फारसी के नामचीन शायर कवि फिराक गोरखपुरी जी का जन्म 28 अगस्त 1896 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश में एक कायस्थ परिवार में हुआ। आपका वास्तविक जो नाम था रघुपति सहाय था। एक शायर के रूप में आप अपना उपनाम फिराक लिखते थे, बाद में आप अपने लोकप्रिय नाम फिराक गोरखपुरी के नाम से जाने लगे। आपके पिता का नाम मुंशी गोरख प्रसाद था, वह पेशे से वकील थे और गोरखपुर के अग्रणी अधिवक्ता जाने जाते थे। आपके पिता पेशे से भले ही वकील थे, किंतु शायरी के क्षेत्र में भी उनका बहुत नाम था। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि शायरी फिराक साहब को विरासत में मिली थी। चलिए, आपकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा गोरखपुर में ही हुई। रामकृष्ण की कहानियों से प्रारंभ के बाद की आपकी शिक्षा अरबी फारसी और अंग्रेजी में हुई। आपने 1917 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अपनी स्नातक की उपाधि अर्जित की। एक कला स्नातक के विद्यार्थियों के रूप में आपने उत्तर प्रदेश में 4th स्थान प्राप्त किया। बाद में आपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ही उर्दू फारसी और अंग्रेजी साहित्य में मास्टर डिग्री पूरी की। 1917 में ही आप डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित हुए। अन्य क्रांतिकारियों की तरह उन्हें भी ब्रिटिश राज में नौकरी करना गवारा नहीं था, इसलिए उन्होंने सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया और महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आंदोलन के लिए उन्हें 1920 में जेल हुई। वह लगभग 1.5 वर्ष जेल में रहे। जेल से छूटने के बाद जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें अखिल भारतीय कांग्रेस के कार्यालय में अवर सचिव के रूप में नौकरी दिलवा दी। बाद में उन्होंने यह पदवी क्या किया, छोड़ दिया। तत्पश्चात 1930 से 1959 तक आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के विभाग में अध्यापक रहे। साहित्य सेवा, फिराक गोरखपुरी ने लगभग 60 वर्षों तक साहित्य सृजन किया और इस प्रकार से उन्होंने अधिक शेर लिखे। फिराक ने उर्दू शायरी में उत्कृष्टता के शुरुआती संकेत दिखाए और हमेशा साहित्य के प्रति आकर्षण दिखाया था। उनके समकालीनों में अल्लामा इकबाल, अहमद फैज, कैफी आजमी, साहिल लुधियानवी जैसे प्रसिद्ध उर्दू कवि शामिल थे। फिर भी वे कम उम्र में ही उर्दू शायरी में अपना पहचान बनाने में सफल रहे। उन्होंने अपनी अधिकांश कविताएं उर्दू में लिखी। फिराक गजल नज्म रुवाइयां जैसे उर्दू के सभी जो है काव्य रूपों में वो पारंगत थे, पारंपरिक काव्य रूपों में पारंगत थे। रचनाएं, फिराक गोरखपुरी ने बड़ी संख्या में रचनाएं लिखी। उनकी शायरी अत्यंत उच्च कोटि की मानी जाती है। वे बड़े निर्भीक शायर कवि थे। उन्होंने अपने साहित्यिक जीवन का प्रारंभ गजल से किया। उनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। पहला, मुख्य कृतियां गुले नगमा, बजमे जिंदगी, रंगे शायरी, उर्दू गजल गोई, गुले राना, रोहे कायनात, मशल, सब्बिस्तान, सरगम, परछाइयां, तराने इश्क आदि। रुवाइयां सत्यम शिवम सुंदरम रूप। उपन्यास साधु और कुटिया। गद्य कृतियां फिराक गोरखपुरी की उर्दू हिंदी
और अंग्रेजी भाषा में 10 गद्य रचनाएं भी प्रकाशित हुई हैं। भावपक्ष, सौंदर्य बोध का वर्णन। फिराक गोरखपुरी ने गजल, नज्म और रुबाई तीनों विधाओं में काफी लिखा और कहा है। गजल, नज्म और रुबाई। रुबाई नज्म की ही एक विधा है, लेकिन आसानी के लिए इसे नज्म से अलग कर दिया गया है। उनके साहित्य का सबसे बड़ा और अहम हिस्सा गजल है, और यही फिराक की पहचान है। वह सौंदर्य बोध के शायर हैं, और यह भाव गजल और रुबाई दोनों में बराबर व्यक्त हुआ है। फिराक साहब ने गजल और रुबाई को नया लहजा और नई आवाज प्रदान की है। इस आवाज में अतीत की गूंज भी है और वर्तमान की बेचैनी भी। फारसी, हिंदी, ब्रजभाषा और हिंदू धर्म की संस्कृति की गहरी जानकारी की वजह से उनकी शायरी में हिंदुस्तान की मिट्टी रच बस गई है। यह तथ्य भी विचार करने योग्य है कि उनकी शायरी में आंशिक और महबूब परंपरा से बिल्कुल अलग 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 अपना स्वतंत्र संसार बसाए हुए है। कला पक्ष, भाषा। फिराक गोरखपुरी मूल रूप से उर्दू के नामचीन शायर कवि हैं। उन्होंने अपनी रचनाओं में उर्दू, फारसी, साधारण बोलचाल, हिंदी की खड़ी बोली की शब्दावली का प्रयोग किया है। वैसे भी उर्दू शायरी अपने लाक्षणिक प्रयोगों और चुस्त मुहावरेदारी के लिए विख्यात है। फिराक गोरखपुरी ने अपनी शायरी में नई भाषा, नए शब्दों का जमकर प्रयोग किया है। दूसरा है शैली। उर्दू में शेर लिखे नहीं कहे जाते हैं, यानी एक तरह का संवाद प्रमुख होता है। मीर और गालिब की तरह फिराक ने भी कहने की इसी शैली को साधकर आम आदमी से अपनी बात कही है। तीसरा है अलंकार योजना। फिराक गोरखपुरी ने अपनी रचनाओं में दोनों प्रकार के अलंकारों, शब्दालंकार और अर्थालंकार का सटीक प्रयोग किया है। इनकी शायरी में मुख्य रूप से अनुप्रास, पद मैत्री, स्वर मैत्री, पुनरुक्ति, प्रकाश, उपमा, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, संदेह इत्यादि अलंकारों का प्रयोग देखने को मिलता है। छंद योजना। फिराक गोरखपुरी बस्तर उर्दू के शायर कवि हैं। इन्होंने अपनी रचनाओं में उर्दू के प्रचलित सभी छंदों जैसे रुबाई, गजल, नज्म आदि में अपना काव्य संसार रचा है। इसके बाद है, जैसे कि मैं आपको पढ़ाऊंगी रुबाइयां, गजल फिराक गोरखपुरी जी की। भाव सारांश। रुबाइयां और गजल दोनों रचनाओं के रचयिता फिराक गोरखपुरी हैं। संकलित दोनों रचनाओं में से प्रथम रचना रुबाइयां में हिंदी का एक घरेलू रूप दिखता है। विदित हो कि रुबाई उर्दू और फारसी का एक छंद या लेखन शैली है, जिसमें चार पंक्तियां होती हैं। इसकी पहली, दूसरी, चौथी पंक्ति में तुक, जिसे उर्दू में काफिया कहते हैं, मिलाई जाती है, तथा तीसरी पंक्ति में स्वच्छंद होती है। द्वितीय रचना है गजल में हिंदी समाज और उर्दू शायरी की परंपरा भरपूर है। इसकी गजल में दर्द भी है। ये जो गजल है, इस गजल में दर्द भी है और क्या है, एक शायर की ठसक भी है, और साथ ही काव्य शिल्प की वह ऊंचाई जो गजल की विशेषता मानी जाती है। जैसे कि यहां पे कहा कि जो द्वितीय रचना है गजल में हिंदी समाज और उर्दू शायरी की परंपरा भरपूर है। इस गजल में क्या है, इनके गजलों में दर्द भी है और एक शायर की ठसक भी है, और साथ ही है काव्य शिल्प की वह ऊंचाई जो गजल की क्या मानी जाती है, विशेषता मानी जाती है। इस प्रकार मैंने आपको फिराक गोरखपुरी जी के जीवन परिचय और थोड़ा सा उनकी जो रुबाई और गजल है उनका भाव सार थोड़ा समझाया। आगे क्लास में हम और पढ़ेंगे, समझेंगे। धन्यवाद।